बिहार विषाक्त मद मृत्यु ट्राजेडी छपरा रे विषाक्त मद पी मृत्यु संख्या 39 को वृद्धि पाई मृत्यु संख्या आगो को आहुरी बढ़ी पारे विषाक्त मद पी जने व्यक्ति तांको दृष्टिशक्ति हराई एबे भी किछि लोक हॉस्पिटल रे भर्ती होई चिकित्साधीन अवस्था रे अछंती। सरन जिला ईश्वापुर थाना डोइल अंचल रे मद मृत्यु पाई नीतीश को नेतृत्वाधीन बिहार सरकार को दायी करिछि बीजेपी। बिहार रे मद निषेधादेश लागू होई किंतु राज्य रे विषाक्त मद जुगु मृत्यु को नेई सरकार कार्यकारिता उपरे बीजेपी टार्गेट करिछि एपरिकी बीजेपी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मध्ये वाग्युद्ध लागि रहिछि। या मध्ये आज नीतीश देथिबा मंतव्य नै राजनीति जोर धरिछि। आज गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रे नीतीश कहिछन्ति विषाक्त मद जोगु सारा देश रे लोकमानंकर मृत्यु घटुछि केवल बिहार नुहे अन्य राज्य रे मध्ये एभळी घटना घटुछि। विषाक्त मद जे पीब सी मरिबो एथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही। बिहार रे मद निषेधादेश सफल होईछि बीजेपी सरकार गढ़ी पारिलानी तेणु आक्रमणात्मक हो उठिछि बोली नीतीश कहिछन्ति। मद मृत्यु घटना रे गरीबंकु धरिबा बदलरे जेउ लोक नकली मद व्यवसाय करुछन्ति सेमानंकु धरिबा पई अधिकारी मानकु निर्देश दैछन्ति। सेबटे बिहार विधानसभा रे मध्ये मद मृत्यु ताती देखिबा पई मिलिछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा रे पहुँचिबा बेले बीजेपी कर्मी माने नाराबाजी करथिले। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता।